अपना बाइक का काम चालू है। जस्ट अभी कूलेंट निकाला है भाई ने, जो भी मतलब कुछ तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। तो काम चालू है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी जो संडे राइड वाला जो व्लॉग देख रहे हो आप, इससे पहले वाला वही गाड़ी है, और CB 1000 भी वही गाड़ी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो भाई साहब कौन सी गाड़ी खड़ी है, BMW। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 600 I Rider। तो मैं हूँ यश, और मेरे साथ में है यहाँ पे अपनी 20 शेडो। तो शेडो तो हो रही है, काफ़ी गंदी हो गई है, क्योंकि मैंने गाड़ी निकाला है 3 से 4 दिन बाद, मतलब 4 डेज के बाद मैंने स्टार्ट किया है। तो गाड़ी अभी जस्ट कोल्ड स्टार्ट हुई है, थोड़े हीट होने देते हैं मतलब, और टायर्स में भी प्रेशर काफ़ी कम लग रहा है। और ये देखो भाई साहब, बिल्लियों ने वाट लगा के रखा है। चलो कोई नहीं, मस्त वाली वॉशिंग करा देंगे, पहले चलते हैं एक काम कराना। तो शेडो में जैसे कि आप लोगों को मालूम है, यहाँ पे से कहीं पे से तो कूलेंट लीकेज हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है गाड़ी में, एक दो नॉइजेज आ रही है, जो कि मेरे को लग रही है शायद से वाइब्रेशन का वॉइस है। तो चलो भाई के पास जा रहे हैं, इनोवेटिव बाइक्स में जा रहा हूँ मैं आज, तो वहाँ पे अच्छे से बाइक को चेक करा लेते हैं, और फिर जो कूलेंट इशू है वो भी चेक करा लेंगे कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है या ठीक ठाक है। तो आप लोगों को बताता हूँ, तो पहले तो हीट समझो ना, गर्म तो हो गई है भाई साहब, देख रहे हो कितनी गंदी है। सिर्फ मैंने सीट वाइप आउट करके मैं बैठा हूँ, क्योंकि मैं कपड़ा भूल गया था आज। गाड़ी हो चुकी है गर्म, चलो पहले फ्यूलिंग करा देते थोड़ा सा, और कूलेंट जो है इसमें एकदम हल्का सा कूलेंट बचा है गाइस, क्योंकि लीक हो के पूरा कूलेंट लीक हो गया। और मेरे पास कूलेंट बचा हुआ है, मेरे पास मतलब मैं एक्स्ट्रा कूलेंट रखता हूँ मेरे घर पे, तो अभी मैं डाल के कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ वहीं पे, तो अगर पाइप चेंज करना पड़ा तो सारा कूलेंट निकालना पड़ेगा, इसके वजह से मैं नहीं डाल रहा हूँ। और अभी मैं हूँ थाने तीनाथ नाके पे, तो जस्ट 10 मिनट लगेंगे मेरे को भाई के पास पहुँचने में। तो भाई के पास पहुँचते और फिर देखते क्या प्रॉब्लम है, और आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है इशू बैनेली में, कि कूलेंट लीकेज हो गया है। कूलेंट लीकेज यानी कि समझ रहे हो, कहीं और से कूलेंट लीक नहीं हो रहा है, नीचे पाइप से हो रहा है, जो कि अपना पाइप होता है रबर का। तो ये इशू तो मैंने KTM में फेस किया था, उससे पहले कैलाश के बाइक में NS में फेस किया था, तो वो तो पाइप चेंज करके हो जाता है नॉर्मली। अभी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मेरे को नहीं लगता है होगी, क्योंकि गाड़ी को हम पहले से मेंटेन रखते हैं, ज़्यादा ये नहीं करते, लेकिन संडे को राइड पे गए थे उसके बाद से शायद से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है, और थोड़ा सा जल्दी से हीट हो जाती है गाड़ी। चलो कोई नहीं, पहले यहाँ से फ्यूल भरा लेते और फिर मैं आगे चलता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। और ये इनोवेटिव बाइक्स जहाँ भी जहाँ है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया होगा, तो वहाँ पे आप भी जा सकते हो, आपके पास भी अगर कोई नॉर्मल सी बाइक होगी तो भी आप जा सकते हो, भाई बहुत अच्छे से रिपेयर करते हैं। और भाई को 10 साल हो गए रहेंगे शायद, एक्सपीरियंस 10 साल का होगा। तो गाइस काफ़ी दिन बाद ये बाइक चला रहा हूँ मतलब समझ रहे हो, जैसे कि मैं अहमदाबाद गया था, और जो इससे पहले वाले आप लोग ने व्लॉग्स देखे, जो संडे के व्लॉग्स है, फिर डॉग हाउस के है, वो सब पहले के व्लॉग्स है गाइस, जो मैं अहमदाबाद गया ना उससे पहले के। लेकिन मेरे को अर्जेंटली अहमदाबाद जाना पड़ा ना, इसके वजह से मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया, और रिटर्न आके पहले अहमदाबाद के व्लॉग डालने थे, क्योंकि धवल भाई के साथ व्लॉग्स बनाए थे जो कि हम अहमदाबाद गए थे, तो हमने सोचा कि पहले वो व्लॉग्स डाल देते, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए कि हम अहमदाबाद क्यों गए थे, नहीं तो अगर ये व्लॉग्स डालता तो काफ़ी लेट हो जाता। तो काफ़ी मज़ा आया अहमदाबाद जाके, और CBR पे गए थे, अपनी बाइक होती तो शायद और भी मज़ा आता था। तो भाई साहब CBR पे बैठ के हम जो गए मैं और कैलाश, तो बोल भी नहीं पाऊँगा कि इतना ज़्यादा पीछे कुछ भी बैक पेन वगैरह हमको नहीं हुआ, सिर्फ हमारे जो बैठ बैठ के हालत हो गई थी ना भाई साहब, बोल नहीं सकते हम। इसलिए हम आते टाइम तो मतलब जब हम रिटर्न आ रहे थे ना, तो रिटर्न वाले व्लॉग में आपने देखा रहेगा कि हम निकले थे मॉर्निंग में 9 o'clock को, और हम पहुँचे शाम को, तो काफ़ी आराम कर करके गए हम लोग, क्योंकि कुछ भी तकलीफ नहीं चाहिए थी हमको। तो हम शायद रॉन्ग वे से आ गए ऐसा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे और मुलुंड में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि सब रोड एक सरी के दिखते और फिर हम गलती से रॉन्ग वे पकड़ लेते, मतलब रॉन्ग वे से चले जाते।
होता है छोटी मोटी बातें, ये सब तो कॉमन है। अभी 100% मेरे को लग रहा है मैं तो गलत रास्ते पे आ गया हूँ, जाना था ये रोड से और मैं गलती से अंदर वाले रोड से आ गया। चलो कोई नहीं, सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा घूमना पड़ा। तो तलाव पानी के एकदम नियर बाई है ये इनोवेटिव बाइक्स। और हाँ गाइस, मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि मैं डीबी किलर लगा के चला रहा हूँ, क्योंकि डीबी किलर निकाला ही नहीं है जब से हम संडे राइड से आए हैं। क्योंकि गाड़ी का मेरे को कुछ तो डाउट था कि आवाज़ आ रहा है, इसलिए मैं डीबी किलर निकाला नहीं, बोला थोड़ा स्मूथ चलने दो। और संडे के बाद से तो समझो ना काफ़ी दिन हो गए संडे राइड को, लेकिन गाड़ी चल रही है विद डीबी किलर, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रहा है। नहीं तो भाई साहब यहाँ पे रिएक्शंस अभी भी अगर रेव देंगे तो रिएक्शन तो मिलना ही है, लेकिन गाड़ी हीट हो रही है, कूलेंट का प्रॉब्लम है, इसलिए ज़्यादा मस्ती नहीं करेंगे। ये रहा, ये रहा, ये रहा, जलाराम सुपर मार्केट के सामने वाली गली में। और यहाँ पे खड़ी है भाई साहब BMW। हाँ भाई, क्या बोलते हो भाई, कैसे हो गाइस? अभी जैसे कि यहाँ पे आया, थोड़ा टाइम हो गया तो बाइक तो पहले होने देते ठंडी, क्योंकि कूलेंट का काम करना था, तो बाइक कुछ ज़्यादा ही हीट हो जाती है। हीट हो जाती है मतलब आप समझ सकते हो कि गर्म होती है तो काम नहीं कर पाते। तो बस यहाँ पे आ गए, अभी अपना बाइक का काम चालू है, तो जस्ट अभी कूलेंट निकाला है भाई ने, जो भी मतलब कुछ तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। तो काम चालू है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी जो संडे राइड वाला जो व्लॉग देख रहे हो आप, इससे पहले वाला वही गाड़ी है, और CB 1000 भी वही गाड़ी है यहाँ पे। तो तीनों गाड़ी यहीं पे वापस से मिल गई, भाई की गाड़ी यहाँ पे आई है सर्विस करने को, जो भाई की हमने व्लॉग में गाड़ी चलाई थी, और अपनी भी यहाँ पे छोटा मोटा काम हो रहा है। और यहाँ पे देखो भाई साहब कौन सी गाड़ी खड़ी है, BMW। तो यहाँ पे एक नॉर्मल मतलब यहाँ पे सर्विस करने के लिए एक से एक गाड़ी आती ही रहती है भाई के पास, और भाई को यहाँ पे फुल सपोर्ट है, मतलब जो भी भाई लोग हैं अपने सुपर बाइक्स वाले, तो काफ़ी ज़्यादा भाई के सब समझो ना कस्टमर नहीं है, एज अ फ्रेंड ही है, फैमिली समझते हैं भाई, और काफ़ी अच्छे से सर्विस करके देते। तो आपको भी अगर आना होगा यहाँ पे सर्विस कराना तो आप आ सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा गूगल मैप का, और भाई का कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। आपको कोई भी बाइक बनानी हो तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हो। गाइस इट्स नेक्स्ट डे, तो आप सोचोगे अचानक से ये कैसे आ गया, मतलब तो हुआ ये कि अपना SD कार्ड का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया GoPro में, तो फॉर्मेट मारना पड़ा। तो फॉर्मेट मारने के बाद थोड़े बहुत फाइल से जो बैकअप हो गए और बाकी के डिलीट हो गए, तो गाड़ी बना के हो गया था। वाटर पंप का इशू सॉल्व करके मैं और भाई थोड़ा बाहर चले गए थे एक काम से, तो आने के बाद काफ़ी लेट हो गया, 8:30 हो गए। तो गाड़ी में मेरे को थोड़ा बहुत ब्रेक का इश्यूज था, ब्रेक का डाउट था मेरे को कि मिसिंग मारते, तो मैंने सोचा कि ब्रेक ऑयल चेंज कर देते, तो ब्रेक ऑयल चेंज कर दिया हमने बैक पीछे वाला, और आगे का जो नट्स फ्लिप मार रहा था। तो रात हो गई थी, तो भाई को अर्जेंटली जाना था कहीं पे, तो क्योंकि एक राइडर कहीं बाहर से आया था, शायद से कोलकाता से आया था, जो कि डुकाटी राइडर था, तो भाई को अर्जेंटली उनके पास जाना था, कहीं पे अटके हुए थे वो भाई हाईवे पे। तो सो हमने आगे का ब्रेक ऑयल चेंज नहीं किया, और सोचा कि बाद में कर लेंगे करके। तो चलो ब्लॉग इतना सा ही था, अपने बाइक का कूलेंट का इशू सॉल्व हो चुका है, और ब्रेक्स का थोड़े बहुत इश्यूज थे वो भी समझो सॉल्व हो ही गए फाइनली। तो बस यही था छोटा सा ब्लॉग, और मैं होप करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग को ये भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और गाइस जैसे कि मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि गाड़ी का फुल रिव्यू चाहिए, मतलब जो कि सर्विस कॉस्ट आता है जेन्यून, तो बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है, क्योंकि गाड़ी लेके मेरे को होने आए 1 साल। तो जैसा ही 1 साल मेरा कंप्लीट होता है, थोड़े बहुत दिन बचे, समझो अभी ये वीडियो आ रहा होगा तब तक 15 से 20 दिन बचे, तो उसके अंदर ही समझो वीडियो आ जाएगा जैसा ही 1 साल होगा, तो रिव्यू वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, और सर्विस कॉस्ट और जो जो गलतियाँ हुई है मेरे से, मतलब बाइक में सेंसर्स वगैरह जो अपने वजह से अपने मिस्टेक के वजह से गए, तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि सुपर बाइक के मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है, और जो जो फटके पड़ते हैं बोलते ना, जो कि कोई भी ओनर नहीं बताता है कि अपनी गलती से जो सेंसर जाते, वो भी मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा विद रिसिप्ट, मतलब जो सर्विस सेंटर का रिसिप्ट होता है सेंसर का, वो भी मैं बताऊंगा। तो बस इतना दिन वेट किए हो तो अभी थोड़ा टाइम और वेट कर लो। होप करता हूँ ये हमेशा की तरह आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,
तो चलो बाय बाय, 1K होने को आए, तो आप ये वीडियो देखते रहोगे तब तक 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों की वजह से 1K सब्सक्राइबर हो गए। ऐसे ही प्यार बनाते रहो, प्यार देते रहो और प्यार करते रहो। चलो बाय बाय, टेक केयर।